नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। अजमेर में ख्वाजा साहब की दरगाह पर शिव मंदिर होने का दावे वाली याचिका कोर्ट में स्वीकार होने के बाद देश भर में विवाद खड़ा हो गया है। इस फैसले के बाद में भाजपा कांग्रेस के नेता सहित अन्य पार्टियों के नेता अपने अलग अलग बयान दे रहे हैं। इसी बीच शुक्रवार को पहली बार दरगाह दीवान जैनुअल आबेदीन ने कहा कि दरगाह का इतिहास 800 साल पुराना है। उस जमाने में ये सब कच्चा था। गरीब नवाज जब तशरीफ लाए थे उस जमाने में ये कच्चा मैदान था, उसके अंदर उनकी कब्र थी। अब खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जहां कब्र होगी वह भी कच्ची होगी। 150 साल तक आपका मजार कच्चा रहा, वहां बिल्कुल भी पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, उसके नीचे मंदिर कहाँ से आ सकता है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अजमेर दरगाह परिसर में शिव मंदिर होने के दावे में उठे विवाद को लेकर बीजेपी, आरएसएस और पीएम नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाए हैं। अशोक गहलोत ने कहा है कि 15 अगस्त 1947 तक बने जो भी धार्मिक स्थान थे, जिस स्थिति में थे, वे उसी स्थिति में रहेंगे। ये कानून बना हुआ है, उन पर सवाल उठाना गलत है। अजमेर दरगाह 800 साल पुरानी है। दुनिया के लोग वहां पर आते हैं, उनके एक्शन से कोर्ट के केस हो गया। दुनिया के मुल्कों में मुस्लिम भी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, प्रधानमंत्री कोई भी हो, कांग्रेस, बीजेपी या किसी दल हो। पंडित नेहरू के जमाने से मोदी जी तक के तमाम प्रधानमंत्री की तरफ से दरगाह में चादर चढ़ती है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ को धमकी भरे फोन के बाद राजस्थान की राजनीति में एक बड़ी हलचल देखने को मिली। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद मदन राठौड़ को एक व्यक्ति द्वारा फोन पर जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी शिकायत राठौड़ द्वारा पुलिस में की गई। हालांकि इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने बताया कि फोन पर धमकी देने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विकसित है। प्रदेश में मौसम लगातार करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। बीते कुछ दिनों से जहां दिन और रात के तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही गर्मी ने लोगों को सताना शुरू कर दिया था, तो वहीं एक बार फिर से तापमान में हल्की गिरावट होने के साथ ही लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बीते 24 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान दिन और रात के तापमान में करीब 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों में दिन और रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। इसके साथ ही लोगों को सर्दी का एहसास होगा, साथ ही दिसंबर के दूसरे सप्ताह से सर्दी अपना असर दिखाना शुरू करेगी। बाड़मेर जिले की थाना रिको पुलिस ने 24 नवंबर की शाम सिंधरी चौराहे पर एक युवक पर पुरानी रंजिश के चलते फायरिंग करने की घटना के मुख्य आरोपी कर्णाराम जाट एवं साथी बालाराम जाट को गिरफ्तार कर लिया है। घटना में प्रयुक्त एक देसी पिस्टल व स्कॉर्पियो गाड़ी भी जब्त की गई है। एसपी नरेंद्र सिंह मीणा ने बताया कि रावतसर निवासी परिवादी माराराम जाट ने रिपोर्ट दी थी कि 25 नवंबर की शाम करीब 5 बजे सिंधरी चौराहे पर उन्हें गांव के कर्णाराम जाट एवं अन्य साथियों द्वारा उनके बेटे धर्मेंद्र उपकरण की गाड़ी को टक्कर मारकर रुकवाया गया था। कनिष्ठ अभियंता जेईएन भर्ती 2020 के पेपर लीक मामले में 1 साल से फरार टेक्नीशियन कमलेश मीणा को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। कमलेश मीणा मूलतः गोविंदगढ़ स्थित चारणावास का रहने वाला है। यह भी रेलवे में ग्रुप डी टेक्नीशियन ग्रेड प्रथम पद पर अजमेर में तैनात है। आरोपी को एसओजी ने जयपुर के पानीपेश तिराहे से गिरफ्तार किया है। एसओजी के अनुसार आरोपी सांगानेर थाने में दर्ज पेपर लीक मामले में वांटेड चल रहा था। कमलेश के खिलाफ कोर्ट ने 29 जनवरी 2024 से गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। जांच में सामने आया कि आरोपी कमलेश मीणा पेपर लीक के मास्टरमाइंड भूपेंद्र सारण व अनिल कुमार मीणा और शेर सिंह मीणा के सहयोगी था। फरवरी के महीने में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी के भाग्य का फैसला एक दिन के लिए टाल दिया गया है। भारत के पाकिस्तान जाने से इनकार करने के बाद आईसीसी की टेंशन बढ़ती जा रही है। ऐसे में आईसीसी की ओर से अब चैंपियंस ट्रॉफी को हाइब्रिड मोड पर करवाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि आईसीसी की ओर से आज सदस्य देशों की अर्जेंट मीटिंग बुलाई गई थी, लेकिन इस मीटिंग को अब 30 नवंबर तक के लिए टाल दिया गया है। हालांकि सूत्रों की माने तो आईसीसी यूएई और अफ्रीका में भारत के मैच करवाने पर विचार कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान किसी भी हाल में चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी छोड़ने के मूड में नहीं है। ऐसे में कल होने वाली मीटिंग में अंतिम फैसला होने की उम्मीद है। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आज 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर कब्जे को लेकर जयपुर में एसीबी दफ्तर पहुंचे। किरोड़ी लाल मीणा ने इस दौरान एसीबी हेड डीजी रवि प्रकाश मेहडा से भी मुलाकात की और मामले को लेकर पूरी जानकारी दी। इस दौरान उनके साथ 92 साल के डॉक्टर खरे भी रहे। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि डॉक्टर खरे की 5,000 करोड़ की जयपुर में प्रॉपर्टी है। भैरव सिंह जी जब अमेरिका गए थे तब इनका कहा था कि राजस्थान में कुछ इन्वेस्टमेंट करो, जैसे ही अभी सबमिट हो रही है ना वैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया, लेकिन इनकी जमीन पर 4 लोगों ने कब्जा कर लिया है। एसीबी ने 3 मामले दर्ज किए हैं जो प्रमाणिक हैं, लेकिन एसीबी चुप है। राजस्थान विश्वविद्यालय के माही गर्ल्स हॉस्टल में वार्डन की नियुक्ति के खिलाफ कुलपति सचिवालय के बाहर 3रे दिन भी धरना जारी रहा। नियुक्ति को तत्काल रद्द करने की मांग को लेकर छात्राएं अड़ी हुई हैं।
उनका कहना है कि जिस वार्डन को पहले हटा दिया गया था अब उसी को फिर से लगा दिया गया है। ऐसे में विवि नियमों के उल्लंघन कर रही है। छात्रों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन ने बिना हमारी सहमति या विचार विमर्श के निर्णय लिया है जो सही नहीं है। पहले भी उन्होंने मानसिक तनाव और अव्यवस्थाओं का सामना किया है। मांगे पूरी नहीं होने तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग को राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग के कैंडिडेट्स के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की मंजूरी मिल गई है। इसे लेकर 27 नवंबर 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। अब डमी कैंडिडेट दोहरे आवेदन और परीक्षाओं में फ्रॉड करने के मामले से निजात मिल सकेगी। इससे पहले सितंबर 2024 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने की अनुमति आयोग को मिली थी। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।